हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केवल तीन चीज़ों से बनने वाला चोको लावा केक की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो दोस्तों, आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तीन इंग्रेडिएंट से चोको लावा केक बनाने के लिए यहाँ पे लिए हैं मैंने ओरियो के 4 पैकेट, यानी ओरियो 10 वाले बिस्किट हैं, तो इनके मैंने 4 पैकेट लिए हैं। तो इन बिस्किट के पैकेट को फाड़ कर मैं बाउल में ट्रांसफर कर लूंगा बिस्किट को। तो सारे बिस्किट को मैंने बाउल में ट्रांसफर कर लिए हैं। एक बिस्किट को हम उठाएंगे और इसके 2 टुकड़े करेंगे, और इसकी जो ऊपर की बटर क्रीम लगी हुई है इसको हम हटाकर दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसी तरह हमें सारे बिस्किट की बटर वाली क्रीम है उसको हमें हटा लेना है। तो आप देख सकते हैं सभी बिस्कुट से मैंने बटर की क्रीम को हटा दिया है। तो आप इस बटर क्रीम को किसी भी दूसरी रेसिपी में काम में ले सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक मिक्सिंग जार। तो मिक्सिंग जार के अंदर मैं इन बिस्कुटों को तोड़ तोड़ कर डाल दूंगा। अब इसको मैं एकदम बारीक पीस लूंगा। तो इसको मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। अब मैं आपको इसे चम्मच से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। तो अब इस पाउडर को मैं ट्रांसफर कर लूंगा किसी बाउल में। अब इसको मैं हल्का सा फैला दूंगा। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर दूध डाल डाल के हमें इसका एक पतला सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है, यानी कि ऐसा बैटर जैसा हम केक में यूज़ करते हैं। तो बस इसको हमें लगातार मिक्स करते जाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं सिलिकॉन के मोल्ड। आप चाहें तो यहाँ पे स्टील के मोल्ड्स भी ले सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर दूंगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल के मोल्ड या फिर स्टील की कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोल्ड को मैंने कर लिया अच्छे से ग्रीस। अब स्कूप में हम भर लेंगे बैटर, और इस बैटर को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा मोल्ड के अंदर। तो इस मोल्ड को हमें भरना है 3/4, यानी कि 1/4 जगह हमें इसे खाली रखना है। तो सारे मोल्ड को मैंने बैटर से भर दिया है। अब यहाँ पे लिया है मैंने एक छोटा सा डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इस डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मैं अंदर प्रेस करते हुए इसके अंदर दबा दूंगा, यानी कि बैटर के अंदर। तो इसके अंदर मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड डाल दिया है। तो आज हम हमारे चोको लावा केक को बेक नहीं करेंगे, आज हम इसे स्टीम करके पकाएंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें रख दूंगा मैं एक जाली स्टैंड, और इसमें रख दूंगा मैं एक प्लेट। इस प्लेट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा हमारे मोल्ड को। तो मोल्ड्स को मैंने प्लेट में रख दिए हैं। अब इसको हम ढक देंगे, और इसे हमें 10 मिनट तक स्टीम होने देना है, यानी इसे भाप में पकने देना है मीडियम फ्लेम पर। तो 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर, हमारे चोको लावा केक हैं स्टीम होकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्लेट को मैं बाहर निकाल लूँगा। तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होते, तो इसको मैं तुरंत ही सरफेस पर ट्रांसफ़र कर लूँगा। और अब एक मोल्ड लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बाहर निकल रहा है, और इसका शेप भी बहुत ही सुंदर आया है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ किसी प्लेट में। तो इसको मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारा चोको लावा केक है स्टीम में बेक होकर तैयार हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा चोको लावा नहीं निकलेगा।
तो आप देख सकते हैं इसमें चोको लावा निकल चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।